हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आफ्टर कंप्लीटिंग एसएफएम पेपर, आई होप एवरीवन हैज डन देयर लेवल बेस्ट फॉर कंप्लीटिंग टू पेपर्स। स्टूडेंट्स, अब आप पहुंच गए हो बीच मझधार में। आधी जर्नी कंप्लीट हो रखी है एंड दो पेपर्स सिर्फ बाकी है इस ग्रुप वन की एग्जामिनेशन को कंप्लीट होने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अ रियल रिस्पेक्ट, अ रियल ग्रैंड सैल्यूट टू एवरी वन ऑफ यू, जिस जज्बे के हिसाब से आप ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इट इज अ ड्यू रिस्पेक्ट मोमेंट फॉर एवरी वॉरियर हु इज अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन। नाउ विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर द नेक्स्ट पेपर। ये जो आपका पेपर है वो है पेपर नंबर 3, ऑडिटिंग। ये एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में हमारा मैराथन किस हिसाब से चलने वाला है, एज वेल एज सम गोल्डन रूल्स विद रिगार्ड्स टू पेपर ऑडिटिंग। नाउ आई जस्ट टेल यू दैट स्टूडेंट्स, अभी ही आज शाम सात बजे से आई स्टार्ट माई लाइव मैराथन एंड हम रिवाइज करने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स। ये होने वाला है लाइव ऑन द यूट्यूब चैनल अनअकैडमी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आज पूरा ही टाइम हम लोग शाम सात से लेकर के दस सवा दस बजे तक, जब तक है जान, हम करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी लाइव। मैं आपके साथ लाइव सेशन लेने वाली हूँ ऑन द यूट्यूब चैनल। कल मॉर्निंग से आपको पढ़ाई करने में लग जाना है। सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक का समय दे रही हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको, 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में यू हैव टू रिवाइज कंपनी ऑडिट एंड कारो 2016, जो कि रेलिवेंट है आपकी जुलाई एग्जामिनेशन के लिए। ये होने वाला है रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्डेड की भी लिंक मैं आपको देने वाली हूँ क्योंकि महामैराथन सेशंस में ले चुकी हूँ, ठीक है। सो ये YouTube पे भी अवेलेबल है एज वेल एज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। नाउ देन आई विल अगेन सी यू लाइव फ्रॉम 8 AM टू 1 PM, मतलब अराउंड दोपहर 12:30-1 बजे तक मैक्सिमम हम लोग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं, एज वेल एज फ्यू स्मॉल टॉपिक्स विच आई फील कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ मैं आपके साथ लाइव कवर करने वाली हूँ अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एंड देन आगे का जो पोर्शन है, मिसलेनियस टॉपिक्स है, बैंक, इंश्योरेंस, NBFC, ड्यू डिलिजेंस, मैनेजमेंट, फिस्कल, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ये सारा का सारा चीज, इनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स, दैट इज योर टाइम, 2 PM ऑनवर्ड्स आप पूरा ही ये चीज कंप्लीट कर पाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट पूरा का पूरा सिलेबस याद रखिएगा, हमें 8 को ही कंप्लीट करना है। 9th मॉर्निंग, दैट इज द एग्जाम डेट। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैम अभी तो SFM का पेपर देकर के आए हैं। यस स्टूडेंट्स, बट 9th मॉर्निंग जो आपका ऑडिट का पेपर है, मॉर्निंग में आपको रिवाइज करना है फटाफट से पी के क्लॉजेस, रिवाइज प्रोफेशनल एथिक्स फटाफट, नॉट मोर देन 30 मिनट्स। इसके साथ साथ आपको इस अटेम्प्ट की RTP MTP देखनी है, RTP MTP, एज वेल एज ICAI ने जो इशू किए हैं MCQ की बुकलेट, इसको भी देखने हैं। सारे ही सारे स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने मेरे साथ महासंग्राम के सेशन में ये सॉल्व कर लिया है। RTP ऑलरेडी हमारी सॉल्व हो चुकी है, MTP सॉल्व हो चुका है, तो इन सबकी मार्किंग्स आपके पास रहेगी। तो बस मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपको ये फटाफट से रिवाइज करना है। ये होगा आपके 9th जुलाई का शेड्यूल। एंड देन देर यू गो, आई एम वेरी श्योर ऑडिट का पेपर भी काफ़ी अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। सो ये है आपके लिए लास्ट डे रिविजन मैराथन जो अभी से शुरू होने वाला है शाम 7 बजे से। एंड स्टूडेंट्स, ऑन टॉप ऑफ दैट, मुझे आपके साथ और एक चीज डिस्कस करनी थी। यस, सो बी केयरफुल अबाउट दिस ऑडिट मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करके आता है। ये 3 गोल्डन रूल्स है स्टूडेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला, ऑडिट के पेपर में क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सो मेक श्योर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड एज ऑलवेज, ये हमारा थंब रूल है, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन वर्क्स। ये जो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन है, यही आपको बताने वाली है कि क्या क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन पूरा रीड नहीं कर पाते, क्वेश्चन ये लंबे लंबे लेंथ के हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते से ही या फिर पढ़ने के समय पे हम काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। ये गलती ना करें, क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड करें, कोई भी पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन मिस ना करें।
थर्ड एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, स्टूडेंट्स प्लीज डोंट रश वाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को पूरा समय दें, ये ना सोचे कि अच्छा ठीक है मैं एमसीक्यू में टाइम बचा लेता हूँ सो दैट मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा समय दे पाऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, एमसीक्यू कैश मार्क्स है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अगर टाइम लग भी रहा है, इन्वेस्ट योर टाइम, टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक्स होने वाली है, ना लैंग्वेज बैरियर है, ना आपको स्टैंडर्ड या सेक्शन कोट करने हैं। जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट योर इंटेलेक्चुअल, जितना याद है उसके बेसिस पे आपको आंसर स्टिक करने हैं, ठीक है। एंड ये भी सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करके आइएगा, सॉल्व ऑल दी एमसीक्यूज, बिल्कुल भी मिस ना करें। इन द प्रीवियस वेरी अटेम्प्ट, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट बेसिकली जब भी हुआ था, तभी आई एक्चुअली हर्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट कि मैम एमसीक्यू का क्वेश्चन पीछे भी था बट मैं वो क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। एकदम एंड में जब भी मैं पेपर घुमा रहा था कि सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए कि नहीं, तब मैंने देखा कि दो क्वेश्चंस और बचे हैं, तो फटाफट में मैंने ए और बी मार्क कर दिया। ऐसी गलती ना करें स्टूडेंट्स। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट 3 आवर्स टाइम इज ऑलमोस्ट अंडर प्रेशर, बट ध्यान रखें सारे के सारे क्वेश्चंस को पेज पलट करके सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आप आंसर करें। डोंट मिस ऑन एनी क्वेश्चन, ठीक है। आते हुए आंसर ना लिख पाए ये ज़्यादा दिल को दर्द देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर योर अपकमिंग ऑडिट एग्जामिनेशन। नाउ नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आराम से आप घर पहुँच जाइए, गेट सेट रेडी। हम फिर से लाइव मिलने वाले हैं 7:00 PM। ऑल द वेरी बेस्ट वॉरियर्स, आई विल सी यू ऑल लाइव @7 PM। बी सेफ, टेक केयर।